पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में एक झुग्गी झोपड़ी में बुधवार सुबह आग लगने से 5 बच्चों सहित एक ही परिवार के 7 सदस्यों की झुलसने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकल पाया। वहीं परिवार का एक सदस्य जो घटना के समय झोपड़ी में नहीं था वह बच गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण नगर निगम के एक बड़े कूड़े के ढेर में लगी आग हो सकती है, जो पिछले कुछ दिनों से आग की चपेट में आया हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व लुधियाना सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वे बिहार के प्रवासी मजदूर थे और घटना के समय सो रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेश साहनी 55, उसकी पत्नी अरुणा देवी 52 साल की, बेटी राखी 15 साल की और मनीषा 10 साल की, गीता 8 साल की, चंदा 5 साल की व बेटे 2 वर्षीय सन्नी के रूप में हुई है। परिवार का एक सदस्य झोपड़ी में नहीं था व बच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।